अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। सो टुडे माय लेक्चर टॉपिक इज द बेसिक्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड इन शॉर्ट इज पीसीआर। ये बेसिकली बीएस पार्ट फोर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और आजकल इसकी बहुत डिमांड है क्योंकि जब से कोविड-19 आया है तो डायरेक्ट डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप पीसीआर करवाएं। अगर किसी पेशेंट की एंटीबॉडीज टेस्ट पॉजिटिव आता है देन दे मस्ट गो टू द पीसीआर। पीसीआर में बेसिकली हमें पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी में, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव होता है वो बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और क्वांटिटेटिव में हम पता करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में वो वायरस हमारी बॉडी में इन हो चुका है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था उस साइंटिस्ट का नाम है कैरी मॉलस। इन्वेंटेड पीसीआर वाइल वर्किंग एज अ साइंटिस्ट फॉर द कॉर्पोरेशन एट कैलिफोर्निया यूएसए। कैलिफोर्निया यूएसए का जो है एक सिटी है जहाँ पर ये प्रोसीजर हुआ था सबसे पहले, और इसका जो आइडिया था वो हुंडा सिविक नॉर्थर्न कैलिफोर्निया में फ्राइडे नाइट को सबसे पहले हुआ था अप्रैल 1983 में। ही रिपोर्टेड दैट डीएनए पॉलीमरेज कैन बी यूज टू मेक मैनी कॉपीज ऑफ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए 100 to 1000 बेस पेयर डिफाइंड बाय प्राइमर्स 100 to 1000 बीपी स्टैंड फॉर बेस पेयर। ठीक है, बेस पेयर होते हैं डीएनए के। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप आर्टिफिशियली बहुत सारी डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स ऐसे होते हैं, मतलब ऐसी शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होती हैं जो कि डीएनए को बनाने में उसकी हेल्प करती हैं पीसीआर के प्रोसीजर में। कैरी मॉलस द इन्वेंटर ऑफ पीसीआर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1993। तो इसी के उसमें इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसकी इस वर्किंग के लिए, जो है इसको एक जो नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उसके बाद अगर हम इसकी साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू उसको देखें तो बिगिनिंग विद द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए द पीसीआर कैन जनरेट 100 billion सिमिलर मॉलिक्यूल्स इन एन आफ्टरनून। द रिएक्शन इज ईजी टू एक्सक्यूट, इट रिक्वायर्स नो मोर देन अ टेस्ट ट्यूब, अ फ्यू सिंपल रिएजेंट्स एंड अ सोर्सेस ऑफ हीट। ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि जो आप डीएनए पीसीआर का प्रोसीजर करते हैं उसमें किन किन चीज़ों की आपको नीड होती है। लेकिन मैंने जब पीसीआर अपनी लैब में परफॉर्म किया था और जब मैंने पीसीआर के बारे में पढ़ा, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से बहुत जो है डिफरेंट थी। जब आप पढ़ते हैं एक चीज़ को, जब उसको आप प्रैक्टिकली करते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं या यूजेस, बोथ आर सेम। एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ पीसीआर। पीसीआर कैन बी यूज्ड टू मेक मैनी कॉपीज ऑफ एनी डीएनए दैट इज सप्लाइड एज अ टेम्पलेट, स्टार्टिंग विद वन ओरिजिनल कॉपी एंड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉपीज कैन बी मेड यूजिंग पीसीआर। हम एक डीएनए की फ्रेगमेंट से नंबर ऑफ डीएनए बना सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए बना सकते हैं। Amplified fragments of DNA can be sequenced, cloned, cropped or sized using electrophoresis. Electrophoresis is a technique which is used in DNA sequences and clone processes. Cloning के लिए या sequences, DNA के sequence बनाने के लिए हम electrophoresis technique का use करते हैं। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपनी coming classes में ज़रूर इसका प्रोसीजर समझाऊंगी। जीन्स फ्रॉम पैथोजेंस कैन बी एम्पलीफाइड टू आइडेंटिफाई देम। अब जो पैथोजेनिक जीन्स होते हैं बेसिकली हम उसको इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं पीसीआर टेक्निक में। इसके बाद आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज़ अ प्रोसीजर ऑफ पीसीआर। मैकेनिज्म पीसीआर एंड इट्स रिलेटेडनेस विद रिप्लिकेशन। ठीक है, यानी रिप्लिकेशन में और इसके मैकेनिज्म में क्या एक दूसरे से रिलेट करते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। पीसीआर एन आर्टिफिशियल वे ऑफ डूइंग डीएनए रिप्लिकेशन।
आल्सो कॉल्ड अ डीएनए फोटोकॉपियर। हम इसको डीएनए फोटोकॉपियर भी कहते हैं। डीएनए फोटोकॉपियर इसलिए कहते हैं क्योंकि डीएनए की ही सेम कॉपी एक तैयार हो रही होती है, और ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। जैसे कि हम डीएनए रिप्लिकेशन करते हैं, रिप्लिकेशन में भी क्या होता है कि एक टेम्पलेट से दूसरी टेम्पलेट तैयार हो रही होती है। इंस्टीट ऑफ रिप्लिकेटिंग ऑल द डीएनए प्रेजेंट ओनली अ स्मॉल सेगमेंट इज रिप्लिकेटेड, बट दिस स्मॉल सेगमेंट इज रिप्लिकेटेड मैनी टाइम एज इन रिप्लिकेशन पीसीआर इन्वॉल्व। अच्छा, ये कह रहे हैं जब हम रिप्लिकेशन करते हैं डीएनए की, तो उसकी जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एक से एक टेम्पलेट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से वो उनकी रिप्लिकेशन होती है मैनी टाइम्स। लेकिन जो पीसीआर होता है उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले मेल्टिंग होती है डीएनए की, फिर प्राइमिंग होती है, फिर पॉलीमराइजेशन होती है। ये तीन स्टेप्स जो है वो डीएनए पीसीआर में हम परफॉर्म करते हैं। इसके बाद होता है इनिशिएशन। सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मिंग द रिप्लिकेशन आई, सबसे पहले रिप्लिकेशन आई बनती है, मतलब इस तरह से एक आई की तरह पूरी शेप बन जाती है। यहाँ पर आप देखते हैं हमेशा डीएनए के फ्रेगमेंट 5 to 3 और 3 to 5 होती हैं। तो ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, जहाँ से रिप्लिकेशन को स्टार्ट होना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट प्राइमर्स आके यहाँ लगते हैं, एंजाइम्स लगते हैं, तो ये एक इस तरह से और क्या बन जाती है, रिप्लिकेशन आई बन जाती है और इसकी रिप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है इस तरीके से। यहाँ से ये फिर पूरा जो है वो खुलता जाता है, इसकी फ्रेगमेंट्स अलग होती जाती हैं एक दूसरे को डुप्लीकेट या कॉपीज़ बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इनिशिएशन हुई, उसके बाद जब एक्सटेंशन होती है, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। यहाँ पर क्या हुआ, ये आई बन गई। आई बनने के बाद मैंने आपको बताया था डिफरेंट प्राइमर्स आके, प्राइमेस एंजाइम आया, यहाँ पे अटैच हुआ, लैगिंग स्ट्रैंड अलग हुई, ये लीडिंग है, ये लैगिंग है। हमेशा जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है इसी को हम वर्किंग में लेकर आते हैं, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो साइड रहती है, और लैगिंग स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो रिप्लिकेट करवा रही होती है खुद को। यहाँ पर हेलिकेस इंजाइम आया, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि पहले हम इंजाइम्स पढ़ते हैं और उसका फंक्शन, उसके बाद हम प्रोसेस की तरफ जाते हैं। फंक्शन एंड देयर एसोसिएशन इंजाइम एंड रिप्लिकेशन प्रोसेसेस, ठीक है। ये रिप्लिकेशन के हैं इंजाइम्स, ये पीसीआर के हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन में इंजाइम के नाम पढ़ लेते हैं, हेलिकेस, SSB, ठीक है, सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन, या फिर आप इसको SSB भी कह सकते हैं अगर फुल फॉर्म ना करें, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी हम इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है हेलिकेस, SSB प्रोटीन, टोपो आइसोमेरेस। इन तीनों का काम क्या होता है, ये अनवाइंड करवाते हैं डीएनए के स्ट्रैंड को, या मेल्टिंग ऑफ डीएनए करवाते हैं। डीएनए पॉलीमराइज का क्या फंक्शन होता है, ये पॉलीमराइजिंग करता है डीएनए को, पॉलीमराइज करता है। प्राइमेस क्या करता है, प्राइमर्स तैयार करता है। लाइगेस एंजाइम क्या करता है, ज्वाइनिंग करता है, जो नेक होती हैं उसकी स्ट्रैंड्स की, उनको आपस में लाइगेस कर देता है, यानी कि जोड़ देता है, जैसे कि टैप हम किसी चीज़ पे लगा देते हैं ना जोड़ने के लिए, सेम इसी तरह से, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं पीसीआर के एंजाइम्स के प्रोसेसेस। हीट, मतलब सबसे पहले हीट देते हैं हम उसको ताकि डीएनए मेल्ट हो जाए, अनवाइंड हो जाता है। उसके बाद टैग पॉलीमराइज यूज़ करते हैं। टैग पॉलीमराइज क्या करता है, पॉलीमराइज करवाता है डीएनए की, पॉलीमराइजेशन करवाता है। फिर प्राइमर्स आर एडिड टू द रिएक्शन, फिर हम क्या करते हैं, प्राइमर्स को ऐड करवाते हैं रिएक्शन के अंदर, ताकि उसकी जो कॉपीज़ हैं वो तैयार होना स्टार्ट हो जाएँ। ये क्या है, नाइट्रोजेनियस बेसिस जितनी भी होती हैं, एज द फ्रेगमेंट्स आर शॉर्ट फ्रेगमेंट्स, उसकी उनको क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं, जो अलग अलग प्राइमर्स बने हुए होते हैं उनको आपस में मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों हो गए, अब हम आते हैं इस पिक्चर की तरफ, आपको ये थोड़ा इजी लगेगा। अब ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है और ये लैगिंग स्ट्रैंड है। तो लैगिंग स्ट्रैंड में सबसे पहले क्या हुआ, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं जो कि स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है। फिर यहाँ से आके प्राइमेस एंजाइम अटैच हो रहा है, प्राइमर्स बन रहे हैं, ये इनको SSB
बाइंडिंग प्रोटीन इसको स्ट्रैंड्स को अलग करके खोल के रखा हुआ है ताकि इजीली आपस में जो है रिप्लिकेट हो जाए। डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी से इसको इसकी कॉपीज़ बना रहा है, ठीक है। डीएनए पॉलीमराइजेशन है कि इसको पॉलीमराइज कर रहा है। हेलिकेज ने इसको खोला, इसने इसको बांध करके रखा, यूँ खोल के रखा हुआ, और प्राइमेज आया, उसमें प्राइमर्स ऐड किए, डीएनए पॉलीमरेज आया। आरएनए प्राइमर्स ने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज को सीक्रेट करवाया, और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके डिफरेंट उसने कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से इसका प्रोसीजर इस तरीके से चलता है। और अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर रिएक्शन, तो इसमें क्या होती है, टेम्पलेट डीएनए होता है, ये क्या करता है, डेट इंक्लूड द रीजन टू बी एम्प्लीफाइड, टू प्राइमर्स होते हैं डेट फ्लैंक द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए टू बी एम्प्लीफाइड, फिर डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफोस्फेट होता है जिसको हम डी एन टी पीज भी कहते हैं, जिसमें डी ए आता है, डी टी आता है, डी जी आता है, डी सी आता है, ये दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच द डी एन ए पॉलीमराइजेस सेंथिसाइजेस अ न्यू डी एन ए स्ट्रैंड। ये वो होती हैं जहाँ पर न्यू स्ट्रैंड सेंथिसाइज हो रही होती है। टेक डी एन ए पॉलीमरेज और अनदर हीट स्टेबल डी एन ए पॉलीमरेज जो कि उसको क्या करता है, हीट देता है ताकि वो डी एन ए ईजीली मेल्ट हो जाए। बफर कंटेनिंग मैग्नीशियम बफर क्या करेगा, प्रोवाइड करता है सूटेबल केमिकल इन्वायरमेंट ताकि उसकी पीएच स्टेबल रहे, इन्वायरमेंट फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। तो ये बफर हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसका होता है, सबसे पहले डीएनए चर होता है, एनिलिंग होती है, एलोंगेशन होती है, और फिर रिपीट एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन होती है। ये इसके प्रोसेस हैं। सबसे पहले डीनेचरिंग हुई, अ टिपिकल सेट ऑफ रिएक्शन माइट हैव एन इनिशियल मेल्टिंग डीनेचरेशन स्टेप फॉर 3 मिनट एट 95। पहले हम इसको 95 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं 3 मिनट के लिए ताकि डीनेचर हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, इसकी 30 साइकल्स जो है वो डीनेचर होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से, और टेम्परेचर इसका यही रहेगा लेकिन हम 1 मिनट के लिए देंगे साइकिल में। फिर प्राइमर एनिलिंग में क्या होगा, एनिलिंग होगी 1 मिनट के लिए और इसका टेम्परेचर हम कम कर देंगे, 55 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हम इसको देंगे। फिर एक्सटेंशन मतलब जब हम इलोंगेशन हो रही होगी तो उसमें क्या होगा, 1 मिनट पर के बी डीएनए होगा, यानी कि हर डीएनए के फ्रेगमेंट को 1 मिनट देंगे ताकि वो इलोंगेट कर ले, और उसको उसका टेम्परेचर 55 से दोबारा हम 72 की तरफ ले जाएंगे आफ्टर 30 साइकल्स ऑफ डीएनए। अ फाइनल एक्सटेंडेड राउंड ऑफ डीएनए सिंथेसिस 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको हम छोड़ देंगे ताकि वो डीएनए की सिंथेसिस हो जाए या उसकी एक्सटेंशन कह लेंगे, उसकी एक्सटेंशन इजीली हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रोसीजर होता है, मेल्टिंग होती है, एनिलिंग होती है, डीनेचरिंग होती है, एनिलिंग होती है, एक्सटेंशन होती है, और इस तरह से इसका सारा प्रोसीजर मैं एक बार दिखाती हूँ पिक्टोरियल में। इस तरह से इसका सारा ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है लैब्स के अंदर, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रीडिंग बुक, यानी कि जो आप रीड करते हैं बुक से उससे डिफरेंस होता है। और इस तरह से एक पिक्चर आपको, नंबर ऑफ साइकिल्स की पिक्चर इस तरह से आपको शो हो रही होती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर मेरा समझ आया होगा। इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन एनी क्वेश्चन प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। और आपको कोई भी टॉपिक अपने लेक्चर से अपने सिलेबस से समझ नहीं आता तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक को ईजी से ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बस आप मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएँ और मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें, ठीक है। और कोई भी अगर कमी पेशी आपको मेरे लेक्चर में लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह इसको इन्हांस करने की, इसको जो है वो और अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।